प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज केदारनाथ में 400 करोड़ रुपए से अधिक की पुनर्निर्माण परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास सहित आदिगुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किए जाने पर उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया है। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि उत्तराखंड वासियों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बार बार उत्तराखंड पहुंचकर उत्तराखंड के विकास के लिए अग्रणी रहते हैं। जिस प्रकार से उन्होंने आज अपने उद्बोधन में अपने इस उत्तराखंड के बारे में, वीरों की धरती उत्तराखंड के बारे में जो कहा, और जिस प्रकार से यहाँ चाहे ऋषिकेश कर्णप्रयाग रेलवे लाइन, चारधाम सड़क मार्ग, और जिस प्रकार से हेमकुंड में रोपवे, इन विकास योजनाओं की चर्चा की, साथ ही उन्होंने जिस प्रकार से कहा कि आने वाले 10 सालों में पिछले 100 वर्ष से ज़्यादा श्रद्धालु और पर्यटक यहाँ पे पहुँचेंगे, क्योंकि उन्होंने कहा कि आने वाला दशक जो है वो उत्तराखंड का होगा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब ये है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के अंदर जिस प्रकार से प्यार उत्तराखंड के बारे में है, जिस प्रकार से उनका यहाँ से लगाव है, वो अब आने वाले समय पर दिखाई देगा। विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि केदारनाथ आपदा के बाद जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केदारनाथ पुनर्निर्माण का जिम्मा संभाला, जिसके चलते चार धाम यात्रा आने वाले भक्तों की संख्या लगातार बढ़ी है। साथ ही विधानसभा अध्यक्ष ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केदारनाथ में अपने संबोधन के दौरान पहाड़ का पानी और उसकी जवानी पहाड़ के काम नहीं आती है के कथन पर पहाड़ से पलायन को रोकने के प्रयास पर बात की गई, वह निसंदेह प्रधानमंत्री के उत्तराखंड प्रेम को दर्शाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज स्टूडियो, उत्तराखंड।